बिहार डबल मुसीबत से जूझ रहा है, एक तो बाढ़ का कहर और वहीं दूसरी तरफ कोरोना की मार, ऊपर से सरकार की नाकामी। इन सब के बीच एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं गोपालगंज की, जहां पर 70 घाटल पुल का एक हिस्सा ही ढह गया। इस महीने पहले ही पुल का उद्घाटन किया गया था और फिर 264 करोड़ की लागत से बना ये पुल किस तरीके से पानी में बह गया, उसकी तस्वीर भी देखिए। 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही इस महासेतु का उद्घाटन किया था और पुल को बनाने में 8 साल लगे और ढहने में सिर्फ 1 महीना। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि ये क्या है, क्या आप इसको सुशासन कहेंगे? गोपालगंज की तस्वीरें, पुल बनने में लगे 8 साल, ढहने में लगा 1 महीना और करोड़ों की लागत से इस पुल को तैयार किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूल का उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन 1 महीने में ही ये पुल धराशाही हो गया। एक महीना पहले स्कूल का उद्घाटन हुआ और ये लाला छापरा रोड से लिंक होती है पुल से, और ये 1 महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है पानी के बहाव के कारण। ये अभी 1 महीना पहले उद्घाटन हो रहा है, पानी का दबाव ज़्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है, वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है।